अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा वो हम यूजी जो 3+1 ऑनर्स है उनका यहाँ पर अब डेट आने वाला है कि उनका थर्ड लिस्ट जो है वो कब तक आने के चांसेस है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और हमारे इस चैनल पे 10K कंप्लीट होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम 10K जो है वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो चलो जी अपना जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि IG जो इंटरग्रेटेड कोर्सेज है, प्रोग्राम्स है, उनका जो यहाँ पर लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो है वो रिलीज़ किया गया था परसों। तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दिया था कि आप वहाँ पर अपग्रेड स्टूडेंट्स है कुछ, यानी कि कोई स्टूडेंट जो है किसी को कॉलेज चेंज हो गया है या किसी को कोई सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, और वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर ब्लैंक्स थे, लाइक ज्वाइन नहीं लिखा था किसी को और वहाँ ब्लैंक थे, किसी ने ज्वाइन। इसका मतलब यही है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने कभी मतलब कि ज्वाइन नहीं किया है किसी भी कॉलेज में। ठीक है, इसका मतलब कि सीटें जो है वो अभी भी अवेलेबल है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के। हो सकता है कि उसके बाद भी कोई लिस्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ UG ऑनर्स की अगर हम बात करेंगे तो 3+1 ऑनर्स है उसका यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लाइक उनका जो थर्ड लिस्ट है वो आना अभी बाकी है। उनका लिस्ट अभी नहीं आ गया है, UG थर्ड मतलब कि जो यहाँ पर है वो नहीं आ गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या किसी ने किया है तो कोई इंतज़ार कर रहा है कि मुझे अपग्रेड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई, बहुत सारे स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है, लेकिन मतलब 50% स्टूडेंट्स ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सीटें जो है वो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसकी भी 70% मार्क्स है मुझे लगता है कि उसका भी अब चांस है, या 60% 5 जो है उसको भी चांस है। ठीक है, अब इसके हिसाब से मुझे लगता है कि जिसको प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर किसी को थर्ड प्रेफरेंस मिली या सेकंड प्रेफरेंस मिली तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो इस मतलब कि तीसरे लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो सीट्स जो है वो बहुत सारी वैकेंट है। ठीक है ना, तो मैं वहाँ पर अपडेट्स देता रहता हूँ टेलीग्राम पे गाइज, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन करना क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स देता हूँ, लाइक कोई छोटा मतलब कि अपडेट होता है उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता, तो ताकि मैं उसको टेलीग्राम पे मतलब कि सेंड करूं ताकि आप आराम से वो देख सकोगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर फीस जो है क्या हमें वापस दिया जाएगा, हमें एडमिशन नहीं करना, आपको फ़ी जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स का रिफंड हो जाएगा जिनको कॉलेज चेंज हो गया, लाइक किसी को श्री प्रताप पहले लिस्ट में आ गया था, अब उसको अमर सिंह आ गया दूसरे लिस्ट में, तो हो सकता है कि वो रिफंड हो जाए फिर अमर सिंह कॉलेज में, यही इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों का अगर और कन्फ्यूजन है किसी भी सब्जेक्ट में, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो गाइस, वहाँ पर मैं आराम से आपको अपडेट्स देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपका जो लिस्ट है। ठीक है ना, आपका लिस्ट UG 3+1 ऑनर्स का लिस्ट जो है वो यहाँ वो 16 से 17-18 अगस्त तक आने वाला है, क्योंकि इसी मतलब हफ्ते में जो थर्ड वीक चल रहा है, तो थर्ड वीक में आपका लिस्ट जो है बहुत सारे चांसेस हैं आने को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यही है कि आप टेंशन ना ले, अभी भी सीट्स अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में, आप हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा ईयर ज़ाया हो गया, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो थर्ड लिस्ट जो है 3+1 ऑनर्स का वो जल्दी आ जाएगा, तो मैं अपडेट करता रहूँगा, इसलिए आपने वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है। चलो जी, दीजिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।